गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन सेल और ऑर्बिट इन एन एटम। तो इसमें हम जो क्या करेंगे, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखेंगे किस तरह होता है। तो इसमें देखिए तो ये जो है ये आपका एटम है। एटम के देखिए सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे क्या होता है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो सेंटर में है ये क्या चीज़ है, न्यूक्लियस, और इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। ये के अंदर आपको सेंटर में प्लस दिखाई दे रहा है, तो इस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके, अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए न्यूक्लियस के अंदर हमारा पाया जाता है प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और प्लस न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है। तो ओवरऑल जो चार्ज होता है न्यूक्लियस पे वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए उसमें न्यूक्लियस के बाद उसके चारों तरफ ऑर्बिट पाए जाते हैं। ये देखिए जो राउंड शेप में है, ये देखिए ये सब क्या है, ऑर्बिट हैं। ओके, तो ऑर्बिट में क्या होता है कि ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट इज एक्चुअली ए सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। तो ऑर्बिट क्या है कि जो एक वृत्ताकार गोल गोल एक रास्ता होता है, और ऑर्बिट इज ए सर्कुलर पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं। जैसे कि ये देखिए, सपोज के लिए ये आपका ऑर्बिट हो गया, ये राउंड है ऑर्बिट हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन आपके इसमें मूव होंगे, तो ठीक है, तो इसी को कहते हैं ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है आपका निगेटिव, याद रखिए इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है आपको, तो इसको हम लोग सेल भी कहते हैं। देखिए तो जो न्यूक्लियस के चारों तरफ देखिए सेल होता है। देखिए सेल कौन कौन सी हमारी होती है, के एल एम एंड एन। तो ये के एल एम एन ये अलग अलग सेल होती है। देखिए जो पहली सेल होती है, जो फर्स्ट सेल होती है, यहाँ पे देखिए के सेल, तो फर्स्ट सेल को के सेल कहते हैं, सेकंड को देखिए एल सेल कहते हैं, थर्ड को एम, फोर्थ को एन सेल कहते हैं। और इसमें जो सेल होती है के एल एम एन, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। एक जो सेल होती है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, उसका जो फार्मूला हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसका फार्मूला क्या है, 2n² ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है आपको, ये देखिए 2n². सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2n². ओके, एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे है आपकी नंबर ऑफ सेल, फर्स्ट सेल है कि सेकंड सेल है कि थर्ड सेल है कि फोर्थ सेल है। देखिए अगर आपकी फर्स्ट सेल है, कौन सी सेल है आपकी, फर्स्ट सेल है, देखिए तो अगर आपकी फर्स्ट सेल है
देखिए तो यहाँ पे देखिए एन कितना है, वन। देखिए हाँ थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं हम लोग, अब चलो इसको देखते हैं। देखिए चलिए देखिए एन यहाँ पे कितना, एन की वैल्यू फर्स्ट सेल के लिए कितनी होती है, वन। तो 2 × 1 का स्क्वायर आया 2। तो मिस जो आपकी फर्स्ट सेल है, मिस जो आपकी फर्स्ट सेल मतलब के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह जो आपकी सेकंड सेल है, ये देखिए सेकंड सेल के लिए ये हमारा कौन सा सेल है, एल। एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। तो 2 × 2 का स्क्वायर आंसर आएगा 8। तो एल सेल में मतलब सेकेंड नंबर वाली सेल पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। उसी तरह एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके, तो देखिए एम में एन की वैल्यू क्या है, 3। 2 × 3 का स्क्वायर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। तो उसी तरह फोर्थ सेल में एन हमने लिया, एन में 2 × 4 का स्क्वायर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 32। समझ में आया। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे कि फर्स्ट सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे आ सकते हैं, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर सेल, जो फॉर्मूला हमको लगाना है वो लगाना है 2n स्क्वायर का। ओके और इसमें खास बात हमको क्या याद रखना है, क्या ध्यान देना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे हमारा प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे हमारा न्यूट्रल चार्ज होता है। ओके तो जितना भी आज आपको बताया है इसको आपको एकदम दिमाग में इसको आप एकदम नोट कर लीजिए। और आपको आज का होमवर्क क्या है कि आपको खाली ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये, तो आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है ये वाला, और इसमें आपको लिखना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेल। इस डायग्राम को बनाने के बाद ये टेबल आपको नोट कर लेना है। सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। तो इस वीडियो को एक दो बार देखिए तो आपको एकदम आपका जितना भी डाउट है क्लियर हो जाएगा, और ये भी आपका ये होमवर्क है इसको आप करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही।